हेलो एवरीवन, टेक आउट योर ज्योग्राफी बुक, ओपन पेज नंबर 23। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 4, मैप्स। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। ओपन पेज नंबर 23 ऑन योर ज्योग्राफी बुक, चैप्टर 4, मैप्स। मैप्स, इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा कि मैप्स कैसे बनते हैं, मैप्स को बनाने के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मैप को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना होता है। मैप का हिंदी वर्ड है मतलब नक्शा। मतलब मैप के जरिए हमें ये पता चलता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा लैंड, कौन सी रिवर कहाँ पे है, या फिर उस शहर में, उस गाँव में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। अगर आपने गूगल मैप कभी देखा होगा, आपको कहीं भी जाना रहता है, अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता होता है तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हो। गूगल मैप से हमें डायरेक्शन पता चलता है, गूगल मैप से हमें ये पता चलता है कि हमें उस जगह जाने के लिए हमें कौन से रास्ते में जाना चाहिए। उसी जरिए मैप होता है। मैप एक टाइप का शॉर्ट नक्शा होता है, छोटा सा नक्शा, जो हमें पूरे इंडिया को या पूरे कंट्री को हमें एक मैप में दिखा दिया जाता है। मैप को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantage of globe. आपने previous chapter में globe के बारे में पढ़ा होगा। globe एक छोटा सा हमारे planet का रूप है, जिस planet में हम रहते हैं earth, उसमें छोटा सा एक रूप है जो globe के ज़रिए दिखाया जाता है। However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. अगर हमें earth के बारे में पूरी तरीके से पढ़ना है तो हम ग्लोब का यूज़ करते हैं। ग्लोब में हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ अच्छी तरीके से मेंशन की गई है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स एंड विलेज, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप। अगर हमें अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना है, हमें कंट्री के बारे में जानना है, कंट्री में कितनी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी टाउन्स हैं, कौन कौन से गाँव हैं, तो उसके लिए हम मैप का यूज़ करते हैं। मैप में, क्योंकि उस नक्शे में, इंडिया के मैप में, हमें इंडिया के बारे में सब चीज़ें दी रहती है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा रीजन कहाँ पर है, कौन सा गाँव या कौन सा सिटी कहाँ पे है, वो हमें मैप के ज़रिए पता चलता है। अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और द ड्राइंग ऑफ द अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू द स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। जो मैप होता है उससे हमें क्या, मैप को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, मतलब कि मैप को हमें एक, जो मैप हमें एक पूरा इलाका, जो पूरा एरिया होता है ना, वो शो करता है। तो मैप में हम ड्रॉ करते हैं पूरा अर्थ सर्फेस, जो पृथ्वी में हमारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, जो भी जितनी भी रीजन्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उसके टाउन्स या उसकी सिटी या उसके शहर, गांव, ये सब हमें मैप में शो करते हैं। मैप एक ड्राइंग टाइप का रहता है जो कि एक फ्लैट सर्फेस में बना होता है और वो हम स्केल से ड्रॉ करते हैं। ओके, स्केल का मतलब यहाँ पे ये है कि स्केल से हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन ढूंढने में या डिस्टेंस और डायरेक्शन ड्रॉ करने में बहुत इजी रहता है। जो डिस्टेंस और डायरेक्शंस हमें रियल में होते हैं, हम उसको स्केल के ज़रिए हम मैप में शो करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो डायरेक्शन हमें रियल में हो, जितना डिस्टेंस हमें रियल में दिया हो, हम उतना ही मैप में शो करें, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हम स्केल के ज़रिए मैप में शो करते हैं। We can find that the map are useful to us for the various purpose. Map हमें बहुत चीज़ों के लिए यूज़ आता है, बहुत चीज़ों के लिए हम मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। A one map show a small area and few facts. कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें कुछ एरिया ही बस दिया रहता है। अगर हमें उस एरिया के बारे में पढ़ना है तो कुछ एरिया के बारे में मैप में दिया रहता है। जैसे कि एक सैम्पल लेती हूँ, मुझे अपने घर का एरिया बनाना है, मुझे अपने घर के एरिया में मुझे अपना बेडरूम, किचन, इन सब का एरिया बनाना है कि वो कितना होना चाहिए, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ये सब कितनी होनी चाहिए। तो वो सब बनाने के लिए एक शॉर्ट एरिया हम मैप के ज़रिए उसमें बनाते हैं। आगे चल के मैं आपको, जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ेगा, मैं उसको आपको मैप भी शो करूँगी। One map show a small area and few facts. Another map may contain as many facts as a big book.
बहुत सारे फैक्ट्स भी हमें मैप में देखने मिलते हैं. व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट अ एटलस. जब बहुत सारे मैप्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के मैप होते हैं, तो उसे हम एटलस बोलते हैं. अगर आप लोगों के पास एक बुक होगी एटलस, तो अगर आप एटलस को खोलोगे तो उसमें मैप ही मैप के बने. उसमें वर्ल्ड मैप होता है, इंडिया का मैप होता है, और अलग अलग कंट्री के जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं उसको भी बहुत अच्छे से अलग अलग मैप्स बने रहते हैं. एटलीस्ट एक टाइप की बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप्स बने रहते हैं अलग अलग एरिया के. एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स. एटलस में अलग अलग साइज के, अलग अलग मेजरमेंट के, अलग अलग लंबाई चौड़ाई इसके बेसिस में स्केल यूज करके मैप बनाए गए हैं. मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब. मैप्स हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है एज कम्पेयर टू ग्लोब. देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो. अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं वो हमें नीचे गिवन है. सबसे पहले आप यहाँ पे ये टिक कर लो, अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सर्फेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू द स्केल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैप की डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कि मैप क्या होता है. अब आ जाते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप पढ़ते हैं. फिजिकल मैप होता है, पॉलिटिकल मैप होता है और थीमेटिकल मैप होता है. फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शोन नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन प्लेट्यूज प्लेन रिवर्स ओशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. जो फिजिकल मैप होता है उसमें हमें नेचुरल फीचर्स देखते हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो इंसानों ने नहीं बनाई होती हैं, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं जो हमें हमेशा से ही हैं, जो नेचुरल होता है वो चीज़ें हमें फिजिकल मैप में दिखाई जाती हैं. जैसे कि माउंटेन्स हो गए, आपने माउंटेन्स देखे होंगे जो कि वी शेप का होता है. प्लेट्यूज देखे होंगे, प्लेट्यूज जो कि लोअर होते हैं लेकिन चौड़े होते हैं. जो माउंटेन्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हायर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो प्लेट्यूज होते हैं वो बहुत नीचे की तरफ लोअर होते हैं, वो बहुत सारे चौड़े होते हैं. प्लेन्स देखे होंगे, प्लेन्स मतलब जो खुले खुले मैदान होते हैं, यूपी गुजरात में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे, उन्हें बेसिकली प्लेन एरिया भी बोला जाता है. रिवर्स मतलब जो सी ओशियन रिवर जहाँ पे बहुत पानी होता है, समुद्र हो गया, ये सब आपको फिजिकल मैप में देखने मिलेगा. और फिजिकल मैप को हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं. अब पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप. मैप शोइंग सिटीज टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में हमें शहरों के बारे में, टाउन के बारे में, गांव के बारे में शो किया जाता है. मतलब छोटे से छोटे गांव के बारे में भी पॉलिटिकल मैप में दिखाया जाता है और बाउंड्रीज भी दिखाई जाती हैं जो दूसरे कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज होती हैं. जैसे कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे भी पॉलिटिकल मैप में शो किया जाता है. थीमेटिकल मैप, सम मैप फोकस ऑन द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिकल मैप. सिचुएटेड टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दीज मैप्स. थीमेटिकल मैप में हमें रोड्स के बारे में, मैप रोड्स के बारे में, रेनफॉल के बारे में कैसे दिया रहता है, जहाँ रोड्स के बारे में कैसे दिया रहता है कि कौन सा डायरेक्शन, कौन सी दिशा किस तरफ जा रही है, वो रोड बनी होती है उस मैप में. रेनफॉल मतलब कहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है वो दिखाया जाता है. अगर आप वेदर के बारे में देखोगे, आपको वेदर के बारे में न्यूज़ भी दिखाई जाती है, तो वो आपको मैप में बादल बने रहते हैं और बारिश पड़ती है, तो उस रीज़न में जो बारिश पड़ती है उनमें वो शो करते हैं रेन, तो उसे रेनफॉल मैप बोलते हैं. और हमें फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है कौन से एरिया में ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट है या फिर जंगल बना हुआ है, और फॉरेस्ट कौन से रीजन में बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, वो सब भी हमें थीमेटिकल मैप में दिखाया जाता है. थीमेटिक मैप में, थीमेटिक मैप में हमें ये सब चीज़ रोड्स, इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट, रेनफॉल, इन सब चीज़ों के बारे में शो किया जाता है. तो ये तीन टाइप के मैप्स हैं, जो फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप.
कि मैप के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करके मैप बनाया जाता है। मैप के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। डायरेक्शन का मतलब आपको पता है कि कौन सा रोड किस तरफ जा रहा है, किस रीजन की तरफ जा रहा है, किस गांव की तरफ जा रहा है, वो सब दिखाया जाता है। डिस्टेंस का मतलब आपको पता है कि कौन सी डिस्टेंस, कौन सी जगह, कौन सी प्लेस जाने के लिए कितनी डिस्टेंस में हमें जाना पड़ेगा, कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और वो डिस्टेंस किसके थ्रू कैसे दिखाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। सिंबल मतलब कि कोई भी चीज़ जो है उसको किस सिंबल से शो किया जाता है, वो अल्फाबेटिकल हो सकता है, कोई पिक्चर के ज़रिए हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया। अगर हमें बताना है कि वहाँ पर फॉरेस्ट है, जंगल बना हुआ है, तो हम एक पेड़ बना देंगे जिससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे फॉरेस्ट है। तो ये होते हैं सिंबल्स कि हमें कैसे कौन से रीज़न को कैसे शो करना है, जैसे फॉरेस्ट हो गया या फिर बारिश को कैसे शो करना है या फिर कोई रिवर है तो उसको कैसे शो करना है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और द मैप ऑफ इट टू फिट ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। जो मैप होता है वो हम एक ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग जैसे बनाते हैं, और एक शीट ऑफ पेपर हम मैप को ड्रॉ करते हैं जो हमारे पूरे दुनिया के बारे में उस मैप में हम दिखाते हैं। मैप बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इंडिया का मैप भी होता है, वर्ल्ड मैप भी होता है। वर्ल्ड मैप में पूरी कंट्रीज दिखाई जाती है, इंडिया के मैप में सिर्फ इंडिया के बारे में दिखाया जाता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। मैप इसलिए भी होता है कि हम स्केल्स को रिड्यूस करते हैं, मतलब जितनी हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम रिड्यूस करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम उतनी ही डिस्टेंस में दिखाएंगे तो हमारा मैप बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करके ही दिखाते हैं, लेकिन मतलब उतना ही रहता है कि वो डिस्टेंस आपको उतनी कवर करनी है। बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। उस जो डिस्टेंस होती है उसको हम बहुत केयरफुली डिडक्ट करके दिखाया जाता है ताकि वो रियल डिस्टेंस ही लगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो स्मॉल डिस्टेंस को हम मैप में शो करते हैं लेकिन वो जो रियल में होती है वो बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। Therefore, a scale is shown for this purpose. हम डिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, स्केल के ज़रिए। मैप में हम स्केल के ज़रिए डिस्टेंस को बहुत रियल दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि जो डिस्टेंस आपको मैप में बहुत छोटी दिख रही है वो रियल में बहुत बड़ी होती है। डिस्टेंस मतलब कि आपको उस जगह में जाने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये होती है डिस्टेंस। स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। स्केल के जरिए ही हमें पता चलता है कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड की और हमें जो मैप में डिस्टेंस दी हुई है वो। आपको ये पता होना चाहिए कि स्केल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उस आप ये अंडरलाइन कर लो। स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम। अब आपको मैं डिस्टेंस स्कूल और होम के बीच का बता रही हूँ इस 10 किलोमीटर। मान लो आपका स्कूल और घर से डिस्टेंस जो आपका है वो 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 किलोमीटर इज ऑन द मैप। अगर आपको 10 किलोमीटर मैप में शो करना है कि आपके स्कूल और घर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो आप कैसे शो करोगे, आप 2 सेंटीमीटर, आप स्केल से 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे ये शो करने के लिए कि आपके घर से और स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है। 2 किलोमीटर हमने कैसे शो किया कि 2 सेंटीमीटर कैसे शो किया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर इज ऑन द मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर एंड ऑन द ग्राउंड। द स्केल ऑफ योर ड्रॉइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। स्केल हमने 1 सेंटीमीटर लिया जिससे हमें डिस्टेंस क्या बता रही है, 5 किलोमीटर। तो ऐसे ही डिस्टेंस को रिड्यूस किया जाता है मैप में ड्रॉ करने के लिए। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप। स्केल बहुत ज़रूरी है मैप में, अगर प्रॉपर स्केल के जरिए डिस्टेंस शो की जाएगी तो हमें कहीं भी पहुँचने के लिए अगर हम मैप का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, और जो हम आइडिया लगाएंगे कि वो डिस्टेंस कितनी है तो हमारे लिए बहुत आसानी से उस डिस्टेंस को कवर करने में ईजी होगा अगर हम स्केल यूज़ करके उस मैप की डिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। व्हेन द लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट्स और द कंट्रीज
आर टू बी शोन ऑन पेपर देन वी यूज अ स्मॉल स्केल. अगर हमें कोई कॉन्टिनेंट्स या कंट्री को शो करना है मैप में और वो बहुत बड़े एरिया की है तो हम छोटी स्केल यूज़ करेंगे. अगर हमें छोटा एरिया शो करना है तो हम बड़े स्केल यूज़ करेंगे. अगर हम बड़ा इलाका शो करना है तो हम छोटा स्केल यूज़ करेंगे, मतलब उनकी सेंटीमीटर्स को कम कर देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द मैप शोन 500 किलोमीटर, अगर हमें एग्जाम्पल है 5 सेंटीमीटर हम शो कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं, तो हमारी वो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी? 500 किलोमीटर. 5 सेंटीमीटर मैप में शो कर रहे हैं तो हमारी किलोमीटर कितनी होगी? 500 किलोमीटर. जैसे कि हमने पहले 2 सेंटीमीटर शो किया था मैप में लेकिन डिस्टेंस कितनी थी? 10 किलोमीटर. ऑफ द ग्राउंड इट कॉल बी स्मॉल स्केल डिस्टेंस. ये स्मॉल स्केल मैप है. When a small area like your village or the town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter. अगर हमें छोटा सा एरिया शो करना है एक गांव का मैप में तो हम उसकी स्केल को बड़ा लेंगे. अगर हमें बड़ा इलाका शो करना रहता है तो हम स्मॉल स्केल लेते हैं, लेकिन हमें अगर छोटा एरिया छोटा इलाका को शो करना है तो हम बड़ा स्केल लेंगे. जैसे कि ऑन द मैप शो 500 मीटर, अगर हमें 500 मीटर लेना है, आपको एक चीज़ पता होगी किलोमीटर से छोटी यूनिट होती है मीटर, तो अगर हमें 5 मीटर लेना है ओनली ऑन द ग्राउंड तो इट इज़ अ लार्ज स्केल मैप. 500 मीटर लेना है तो हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, तो ये लार्ज स्केल है. ओके, तो ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल था. अगर स्मॉल स्केल हमें क्यों यूज़ करेंगे? जब हमारा इलाका जो एरिया है वो बहुत बड़ा होगा. और हम लार्ज स्केल तब यूज़ करेंगे जब इलाका या फिर कोई एरिया बहुत छोटा होगा. लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप. जो लार्ज स्केल मैप में हम ये इंफॉर्मेशन दी रहती है वो हमें ज़्यादा अच्छे से बताती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल मैप से. अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में. डिस्टेंस को हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही. जो हम डिस्टेंस हमने पढ़ा है, हम डायरेक्शन को अब सेकेंड वीडियो में कवर करते हैं. ओके, थैंक यू.